भारत में ही हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे बफ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता और कहता बफ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी ज़मीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें, अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है क्योंकि वो अपने सन्निकट है ख़त्म होने को। परंतु हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडम्बना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है, जिस पर विपक्ष की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, जाने उन्होंने क्या कहा। ये तो सांसद हैं, लेकिन अलग संत भी बात कर रहे हैं इसमें। लेकिन संत पंडोकर सरकार ने कहा कि राम राज आने चाहिए, पहले राम राज आएगा तो ये ओल्ड बोर्ड ये सब जो है सब व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये राम राज लेके आए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है हमेशा कि हम राम राज लेके आएंगे। तो कहाँ है राम राज, न मध्य प्रदेश में है न देश में है। तो राम राज की जो कल्पना है कि हर आदमी सुखी हो, खुश हो, उसे दुख दर्द सरकार या राजा दुरुस्त करे। आज पूरे प्रदेश में हड़ताल हो रही है, कहीं डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल कर रहे हैं, कहीं टेक्नीशियंस हड़ताल कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रदेश इस समय हड़ताल पे है। तो राम राज लाओ, बाकी बोर्ड वोर्ड बनते रहेंगे। देखिए, साध्वी जी सांसद होने से पहले से साध्वी हैं और इस प्रकार की मांग जो है साधु संतों की ओर से लगातार आती रही है। अगर संवैधानिक तरीके से इसमें किसी प्रकार का बोर्ड बनाया जा सकता है तो सरकार देखेगी क्या हो सकता है और अगर संभव हुआ तो आगे बढ़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, ये सब बातें तभी करते हैं जब कोई चुनाव करीब आ जाता है, जबकि केंद्र से लेकर राज्य तक उन्हीं की सरकारें हैं, ना कोई नियम बनाते हैं, ना कोई बोर्ड बनाते हैं और ना कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे ये सब चीजें पूरी हो सके। केवल और केवल हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काने के नाम पर राजनीति कर रही है। सनातन बोर्ड की मांग क्या जायज है, होना चाहिए? देखिए, सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। अगर इस तरह का बोर्ड बन सकता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, होना चाहिए। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जो भी कार्य हो उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमेशा से सरकार ने सनातनियों का विशेष ध्यान रखा है और हमारे यहाँ पे तो धर्म धर्मस्व बोर्ड भी हमारे पास है, मंदिर पुजारियों के लिए भी हम लोगों ने न्यास सरकार ने बनाया है। तो निश्चित रूप से इस मामले में कहीं ना कहीं कड़े कदम तो हम लोगों ने उठाए हैं जहां पर लोगों के उद्धार की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिला के एक बात स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड का जो अपने आप में काम है
वो काम किस तरह का है, वो सरकार के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियों पर क्या क्या कब्जा करने का विचार रखते हैं, ये हमारी मानसिकता से बहुत अपने आप में अलग है। इस बात की कितनी आवश्यकता है बोर्ड बनाने की और कितनी नहीं है, ये बहुत गहन चिंतन का विषय है। इस पर बड़े लोग अपने आप में विचार करेंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमको हमारी रक्षा के लिए किसी ऐसे बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने आप में स्वतंत्र देश में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और कहीं ना कहीं जितने हम मजबूत हैं उतने मजबूत भले दूसरे हों या नहीं, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।